जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एनईआर गोरखपुर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए 1104 पोस्ट पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप निकल के आई थी दोस्तों, जिसका 2 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। हजारों ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था, जिसका रिजेक्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। फाइनल रिजेक्ट मेरिट लिस्ट है दोस्तों, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। ये मेरिट लिस्ट अगर आपको डाउनलोड करना है तो अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइए, करियर ऑप्शन पे सर्च करिए, ठीक है। नीचे की तरफ जाइए तो आपको देखने को मिलेगा मेरिट लिस्ट वाला सेक्शन। यहाँ पर एनईआर गोरखपुर अप्रेंटिस रिजेक्ट मेरिट लिस्ट पे क्लिक करके आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस लिंक को, ताकि सभी यहां से डाउनलोड कर पाए। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिंक मिल जाए, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए ईसीआई का जूनियर टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट है, देखिए तो और भी एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट है, टाटा मोटर है, कई सारे अपडेट्स आपको चैनल पर मौजूद है, एक बार विजिट करके देख लीजिए। जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अनिल सर आईटीआई का ऐप है प्ले स्टोर पर, अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करिए। आप आने वाले दिनों में अप्रेंटिसशिप के अलावा एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी का हो या और भी कई सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें कंपेरेटिव एग्जाम का टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फीटर के लिए फीटर का टेक्निकल क्वेश्चंस और इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चंस, उसके तैयारी के लिए डीआरडी हो गया, इसरो, सेल, मेट्रो रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बार, जैसे कई सारे एग्जाम के लिए टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे आएंगे, जिसके प्रिपरेशन के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं अनिल सर आईटी ऐप पर। जल्दी जाइए, वहां से मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए और तैयारी करिए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन का एक पूरा सीरीज तैयार कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका टेक्निकल एग्जाम एकदम बेहतर से निकले, ठीक है। तो अभी जाकर के ज्वाइन करिए, ऐसे हजारों कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर के जुड़ जाइए, ठीक है। ये रिजेक्ट मेरिट लिस्ट है दोस्तों एनईआर गोरखपुर की तरफ से, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2022-23 का भी 2 अगस्त को ही इसका जो है फॉर्म भरना समाप्त हुआ था। देखिएगा 2 अगस्त तक का, 23 अगस्त आते आते इसका जो है रिजेक्ट मेरिट लिस्ट भी जारी हो गया है। इसमें देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉरनिश्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट द नोटिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2022-23 फॉलोइंग एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। जो जो क्राइटेरिया था, जो इंफॉर्मेशन दी गई थी नोटिफिकेशन में 2022-23 के अनुसार, उसके अनुसार काफी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था जिसके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। द रीजन फॉर रिजेक्शन आर मेंशन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। रिजेक्शन का कारण जो है यहाँ पे बताया गया है उनके नाम के सामने ही कि क्या रीजन था, क्योंकि उनका जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, नेम, और यहाँ पे दिया गया है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो फॉर्म है इनकम्प्लीट होने की वजह से यहाँ पे जो है ये इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। एप्लीकेशन फी नहीं सबमिट होने की वजह से इनका रिजेक्ट हो गया। इसी तरह इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फीस नॉट सबमिटेड, इसी तरह से आप इनकम्प्लीट यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह से नीचे जो देखिए तो जिसका रिजेक्ट हुआ है सभी का यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। देखिए यहाँ से सीरियल से हम बात करें तो 9 नंबर 19 नंबर 22 23 25 26 30 35 38, मतलब रोल नंबर वाइज यहाँ पर दिया गया है, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वाइज देखिएगा तो ऐसे 30 से 35 हजार कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए तो काफी कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हुए हैं इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे कमेंट करके बताइए कोई ऐसे भी कैंडिडेट है क्या जिनका फॉर्म कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, जिनका पेमेंट होने के बाद भी यहाँ पे कह रहा है कि पेमेंट फीस नॉट सबमिटेड, ऐसा दिखा रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके बाद हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि उसके आगे क्या करना है। फिलहाल अभी कोई भी ऐसा लिंक नहीं दिया गया है, रिजेक्ट हुआ है तो उसका यहाँ पे कारण अपलोड करें। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का आया था लिंक, उनका फॉर्म काफी कैंडिडेट का रिजेक्ट हो गया था, तो 2 दिन कुछ दिन का समय दिया गया था कि इतने समय के अंदर अपना आपका जो रिजेक्ट हुआ है उसको ठीक कर लीजिए। शायद एनईआर गोरखपुर की तरफ से कुछ ऐसा लिंक आ जाए, लिंक आता तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल ऐसा कोई भी निर्देश नहीं है कि आपका रिजेक्ट हुआ है तो फिर उसको जो है आगे उसको ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि ये जो रिजेक्ट मेरिट लिस्ट है, ये फाइनल रिजेक्ट मेरिट लिस्ट है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बदलाव किया जाएगा या आपको कोई मौका दिया जा सकता है।
हालांकि लास्ट समय में जब फॉर्म भरा रहा था तो लास्ट सर्वर डाउन होने की वजह से काफी कैंडिडेट का परेशानी हुआ था। पेमेंट होने के बावजूद भी वहां पे फॉर्म नहीं निकल पा रहा था, तो ये अंतिम की बात ही देखिए या तो यहाँ पे। लेकिन अभी देखिए तो ये 68,000 तक कैंडिडेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट में भी काफी सारे कैंडिडेट का दिक्कत हुआ है उनका दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन फी नॉट सबमिटेड, इनकम्प्लीट फॉर्म, हाई स्कूल बिलो 50%, यहाँ पे अलग अलग तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिसका मैट्रिक 50% से कम है उसका रिजेक्ट हो चुका है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए ऐसे हजारों कैंट रिजेक्ट हुए हैं, अपना मिला लीजिए। और रिजेक्ट हुआ है तो फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और कुछ इसमें ऐसा कुछ होता है कि अगर आपकी गलती नहीं है, आपका फॉर्म सब सही है और आपने क्या पे गलती से नाम आ गया टेक्निकल एरर की वजह से, उसके लिए आप RTI कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करिएगा RTI, तो आपको वहाँ पे इसका ऑप्शन मिल सकता है। RTI सर्च करिए गूगल पे, RTI ऑनलाइन, तो यहाँ से एक वेबसाइट आता है RTI का, जहाँ से आप RTI कर सकते हैं। किसी भी जोन में कहीं पर भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आखिर आपका रिजेक्ट क्यों हुआ सारा चीज़ सही होने के बावजूद भी। 10 रुपया लगता है आपका इसका जो रिप्लाई है आपके मोबाइल पर चल कर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल। ठीक है, तो उसको RTI कर लीजिए, नहीं तो सारा सही है, आप अपने अपने गलती फॉर्म ही भरा है तो आपको कुछ नहीं किया सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर NER गोरखपुर का DB का मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। अगर देखा जाए कि NER गोरखपुर का वर्क जो चल रहा है काफी रफ्तार में है, अभी देखिए मात्र 20 दिन के अंदर ही इसका जो है रिजेक्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। तो अगर इसका लिंक नहीं जारी होता है तो मेरे ख्याल से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक DB का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, और उसमें उसका अक्टूबर के एंड होते होते DB भी करा लिया जाएगा नवंबर एंड तक, या देखिए दिसंबर तक इसका ज्वाइनिंग भी आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल उम्मीद है कि इसका जो है आपके अगले महीने में इसका मेरिट अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, आपको सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक इसका DB का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए। ठीक है, तो इंतजार करिए, मेरिट लिस्ट आते हैं टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन किए होंगे, वहां पर आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, या अनिल सर ITI के वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करके चेकआउट करते रहिए। यहाँ पर आपको कई सारे अपडेट्स मिलते हैं, मेरिट यहाँ लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ECIL है, NTPC, NIT की कई सारी वैकेंसियां हैं, NCL है, यहाँ एयरपोर्ट का है, यहाँ देख सकते हैं, इधर रेलवे अप्रेंटिसशिप है, इधर DRDO और टाटा मोटर मारुति सुजुकी NTPC, ऐसे कई सारे अप्रेंटिसशिप वैकेंसी की अपडेट मिलती है, चेकआउट कर लीजिए। और अनिल सर ITI ऐप तो डाउनलोड कर लीजिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो विद्युत का ब्रह्मास्त्र ट्रेड सीरीज, जो कि कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करने वाला है, काफी टीम लगी हुई है इस पे आप सभी के लिए, और फीटर के लिए भी। बार्क का स्टेज 1 का मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ है, और सबसे बड़ी बात है आप सभी के कहने पर हमने इस मॉक टेस्ट की वैलिडिटी बढ़ा करके 12 मंथ कर दिए, जब भी एग्जाम आपको 12 महीने के अंदर उसके पहले आपका यहाँ पे चलेगा, क्योंकि हम इसका ड्यूरेशन 1 महीना रखे थे, काफी कैंडिडेट के जब खत्म हो गया तो उनका कहना था नहीं सर इसको बढ़ा दीजिए, तो हमने इसको बढ़ा दिया है। तो आप सभी कैंडिडेट इसको ज्वाइन करिए और आप यहाँ पे टेस्ट देना शुरू करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको ज्वाइन करिए, बार का इलेक्ट्रिशियन फिटर का जाके ज्वाइन कर लिए, बहुत ही कम प्राइस है। ठीक है, और मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। DB आपका अक्टूबर तक होने के अनुमान है, अक्टूबर तक DB फिरा लेगा रेलवे, और उसके बाद आपको दिसंबर होते होते इसका ज्वाइनिंग भी आपके हाथों में पहुंच जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो अगली मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वैकेंसी चेकआउट कर लीजिए।